गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग द चैप्टर 5 एग्रीकल्चर एंड इन दिस वी विल डू द टॉपिक मेजर क्रॉप्स. देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स एंड दीज क्रॉप्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. दीज आर सीरियल्स, फाइबर क्रॉप्स एंड बेवरेज क्रॉप्स. ओके, सो लेट्स डिस्कस दीज मेजर क्रॉप्स. फर्स्टली देयर आर सीरियल्स. दे इंक्लूड राइस, व्हीट, मेज एंड मिलेट्स. एंड हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस द राइस. फॉर राइस वी नीड alluvial, loamy and clay soil. These type of soil are ideal for the cultivation of rice. Rice is the staple food crop of a majority of people in our country. Our country is the second largest producer of rice in the world after China. हमारी country में बहुत ज़्यादा राइस ग्रो किया जाता है एंड आर कंट्री इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस एंड द फर्स्ट प्रोड्यूसर इज़ फर्स्ट नंबर किसका है, इट इज़ चाइना. ओके, सो राइस क्रॉप, वेयर वी फाउंड दिस क्रॉप. राइस इज़ अ खरीफ क्रॉप. ओके, एंड इट नीड्स temperature above 25 degree Celsius and high humidity at the time of sowing. Sowing season जब होता है, इसे जब उगाया जाता है उस time पर ये 25 degree Celsius temperature चाहिए और बहुत ज़्यादा humidity चाहिए. It means rainfall ज़्यादा होनी चाहिए. Okay, annual rainfall above 100 centimeter. How much rainfall it needs? It needs at least 100 centimeter rainfall for the rice. Okay, and areas are delta regions. जो delta areas हैं जहाँ पर ज़्यादा पानी मिल सकता है और river valleys and coastal plains. Okay, in these areas we can grow rice. Clear? In India, West Bengal, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Telangana, Punjab, Odisha, Bihar, Chhattisgarh and Tamil Nadu are the areas where the rice is highly cultivated. Okay, so temperature kitna chahiye? 24 ya 25 degree Celsius. Okay, and heavy rainfall above 100 centimeter. Rainfall and India is the second largest producer and in India, West Bengal, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Telangana, Punjab, Bihar, Odisha, Chhattisgarh, Tamil Nadu mein grow kiya jata hai rice ko. Okay, so the next is wheat. Wheat is the second most important cereal crop. It is main food crop in north and northwestern part of country. In our area, northern area, we eat wheat. हम बहुत ज़्यादा wheat को use करते हैं. हम जो wheat flour है उससे अपने लिए food बनाते हैं. तो wheat second most important cereal है इंडिया में और इससे ही north और northwestern areas में food बनाया जाता है. And it is rabi crop. ठीक है, ये रबी क्रॉप है एंड इट रिक्वायर्स कूल ग्रोइंग सीज़न. ठंडा सीज़न चाहिए. हमें पता है जब हम वीट ग्रो करते हैं तो कौन से मंथ्स में ग्रो करते हैं, नवंबर दिसंबर के मंथ्स में हम वीट को स्टार्ट करते हैं लगाना. ओके, तो उस टाइम पर टेम्परेचर डाउन होता है और क्लाइमेट कैसा होता है, कोल्ड क्लाइमेट होता है. सो रबी क्रॉप के लिए, वीट को ग्रो करने के लिए, वी नीड कूल ग्रोइंग सीज़न एंड अ ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग.
जब वो हार्वेस्टिंग टाइम आता है, जब वो पकने लगती है, उस टाइम पर बहुत ज़्यादा ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है, धूप चाहिए होती है. ओके, सो वीट इज़ अ रबी क्रॉप एंड 50 to 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ वीट. ओके, एंड एट द टाइम ऑफ रिपनिंग इट नीड्स सनशाइन. एंड इन विच सोल सॉइल इट इज़ ग्रोन इन एलुवियल सॉइल. ये एलुवियल और लोमी सॉइल में ग्रो होती है. ओके, इन इंडिया, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान, इन एरियाज में वीट ग्रो की जाती है. ईजी है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सब एरियाज़ में वीट ग्रो की जाती है. इट मींस वीट प्रोड्यूसिंग एरिया इन इंडिया आर यूपी, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र. ओके, एंड इन वर्ल्ड यूएसए, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सेंट्रल यूरेशिया आर द एरियाज. क्लियर? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, मिलेट्स. मिलेट्स आर ग्रोन ऑन सॉइल ऑफ पुअर क्वालिटी. वो एरिया जहाँ पर ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की सॉइल नहीं है, मिलेट्स कैन ग्रो देयर. वहाँ पर भी मिलेट्स इजीली ग्रो हो जाती हैं. और कितने कितने डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर चाहिए? 18 to 32 डिग्री. ठीक है, 18 to 32 डिग्री तक हमें टेम्परेचर चाहिए. जवार, बाजरा एंड रागी आर द इम्पॉर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया. दीज आर नोन एज कोर्स ग्रेन्स एंड दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू. ठीक है, इन में बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है. तो ये जवार, बाजरा और रागी जो है, ये मिलेट्स हैं. तो फर्स्टली वी विल डिस्कस जवार. जवार इज अ मिलेट एंड रेन फेड क्रॉप ग्रोन इन मॉइस्ट एरिया. ये मॉइस्ट एरिया में ग्रो होता है जो जवार है. महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा ग्रो होता है. इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. और इसके अलावा कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन एरियाज में भी जवार को ग्रो किया जाता है. हेयर इज बाजरा. बाजरा कहाँ ग्रो होता है? सैंडी सॉइल में. ओके, एंड राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा, यहाँ पर भी बाजरा ग्रो किया जाता है. आप सबने बाजरा की रोटी खाई होगी. ठीक है, द नेक्स्ट इज रागी. इट इज़ ग्रोन इन द ड्राई रीजन्स. ठीक है, ड्राई रीजन्स में ये मिलती है. और सैंडी, लोमी, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, इन सब सॉइल्स में ये ग्रो हो सकती है. कर्नाटका इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रागी. तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश आर द मेन एरियाज ऑफ द रागी. ओके, नेक्स्ट मेज. मेज मीन्स जो हम मक्की खाते हैं. ठीक है, मेज़ के लिए कैसा टेम्परेचर होना चाहिए? 21 to 27 डिग्री सेल्सियस. ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, एक मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए. एंड रेनफॉल रिक्वायरमेंट इज़ 50 to 100 सेंटीमीटर. 50 to 100 सेंटीमीटर तक रेनफॉल रिक्वायर्ड है इसके लिए. एंड इन लेस रेनफॉल एरियाज इट इज़ ग्रोन अंडर इरीगेशन. जहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होती है, वहाँ पर फार्मर्स इरीगेशन के थ्रू, इरीगेशन की हेल्प से इसे ग्रो करते हैं. ओके, एंड इट इज़ अ खरीफ क्रॉप. जो मेज़ है वो मेनली एक खरीफ क्रॉप है. बट बिहार में ये रबी सीजन में भी ग्रो की जाती है. यूपी, एमपी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इन एरियाज में मेज़ या मक्का ग्रो की जाती है. ओके, नाउ बेवरेजेस. देर आर टू इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप्स एंड वन इज टी एंड द अदर वन इज कॉफी. ओके,
So let's discuss the tea in India. In 2015, India was the second largest producer of tea after China. China सबसे बड़ा producer है tea का as well as rice. ठीक है, सबसे ज़्यादा rice भी वही export कर रहा है और चाय भी वही produce कर रहा है और India दोनों में ही second number पे आ रहा है. Okay, and it is an important beverage crop introduced in India initially by the British. Before British, we were not habitual of tea. हम टी नहीं पीते थे, तो हमारे जो इंडियंस थे वो दूध दही ये सब चीज़ें यूज़ करते थे. बट ब्रिटिशर्स इंडिया में आए एंड दे इंट्रोड्यूस टी हेयर और अब हम टी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. तो हु हैड इंट्रोड्यूस टी इन इंडिया? ब्रिटिशर्स, राइट. ओके, सो दिस टाइप ऑफ टी फील्ड्स आर ऐसे ही होते हैं. टी फील्ड्स जिस तरह से आपको यहाँ विजिबल हो रहे हैं माउंटेन रेंजेस पर, जो लो माउंटेन्स हैं उन पर ये ग्रो किए जाते हैं. ओके, एंड इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स. ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों एरियाज में ग्रो होते हैं, बट कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर हॉट हो और ह्यूमिड हो. ओके, और टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है 20 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस. ओके, एंड इट नीड्स वेल ड्रेन्ड सॉइल, बहुत ज़्यादा अच्छी वेल ड्रेन्ड फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल. इसे एल्यूवियल सॉइल चाहिए बट उसमें वाटर खड़ा नहीं रहना चाहिए, तो वेल ड्रेन्ड जल्दी से निकल जाए वाटर, इस तरह की एल्यूवियल सॉइल चाहिए फॉर द ग्रोथ ऑफ टी. ओके, रेनफॉल हमने डिस्कस किया 150 टू 300 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल चाहिए एंड द स्लोप्स आर आइडल फॉर इट्स कल्टीवेशन. इसकी कल्टीवेशन के लिए जो हिल स्लोप्स हैं वो बहुत अच्छी रहती हैं क्योंकि वहाँ पर वाटर अक्यूमुलेट नहीं होता. ओके, सो चाइना, इंडिया, कीनिया, श्रीलंका ये टी प्रोड्यूसर्स हैं एंड इंडिया में आसाम, केरला, तमिलनाडु, बंगाल आर मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स. क्लियर. नेक्स्ट इज कॉफ़ी. कॉफ़ी नीड्स वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल इन द हिली स्लोप्स सेम एज टी. कॉफ़ी में भी वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल चाहिए जो हिली स्लोप्स पर हो एंड इट ऑल्सो नीड्स हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर. ठीक है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए और टेम्परेचर कितना 28 डिग्री सेल्सियस 15 टू 28 डिग्री. वहाँ 20 टू 30 डिग्री था टी में, यहाँ पर 15 से 28 डिग्री तक. ओके, एंड रेनफॉल रिक्वायर्ड 150 टू 200 सेंटीमीटर. इरिगेशन इज रिक्वायर्ड वेयर द एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 100 सेंटीमीटर. जिन एरियाज में ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती है उन एरियाज में इरिगेशन जो टेक्निक्स हैं वो यूज़ की जाती हैं. इंडिया इज बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट. कॉटन इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल्स फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. इन 2015 इंडिया वॉज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना. ओके, अब लेट्स डिस्कस के इंडिया कित कौन कौन से क्रॉप्स में सेकेंड नंबर पर है. फर्स्ट राइस, देन टी, एंड नाउ देयर इज कॉटन. ठीक है, कॉटन की प्रोडक्शन में भी चाइना नंबर वन है और इंडिया सेकेंड प्लेस पर आ रहा है एंड इट इज़ कॉल्ड फाइबर क्रॉप. जो कॉटन, जूट, दीज आर द फाइबर क्रॉप्स. ओके, तो जो फाइबर है वो टू टाइप्स का होता है, नेचुरल फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर. नेचुरल फाइबर कॉटन, जूट, नेचुरल सिल्क और वूल है और आर्टिफिशियल फाइबर में रेयन, नाइलॉन और टेरिकॉट है. ओके, सो
इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का, बट इट इज़ ऑन द सेकेंड नंबर, ठीक है। और यहाँ की कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द कॉटन। कॉटन इज़ अ खरीफ क्रॉप, ओके, एंड इट रिक्वायर्स 30 to 40 degree Celsius टेम्परेचर, ठीक है। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों रीजन्स में ग्रो हो सकती है, और इसके लिए 30 to 40 degree Celsius टेम्परेचर चाहिए, ओके। इट ग्रोज़ वेल इन रीजन्स ऑफ 60 to 100 centimeter एनुअल रेनफॉल, जहाँ 60 to 100 ज़्यादा रेनफॉल की ज़रूरत नहीं है, 60 to 100 centimeter रेनफॉल में ये ग्रो हो जाती है। बट हार्वेस्टिंग टाइम पर जो वेदर है वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, फ्रॉस्ट फ्री होना चाहिए और सनी होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज जो कॉटन है वो ख़राब हो जाएगी, ठीक। तो हेयर यू कैन सी द कॉटन प्लांट्स। और ये कौन सी सॉइल में ग्रो होती है? एल्यूवियल एंड ब्लैक सॉइल आर आइडल फॉर इट्स कल्टीवेशन। इसकी कल्टीवेशन के लिए एल्यूवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल दोनों बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, ओके। महाराष्ट्र, गुजरात, MP एंड हरियाणा, दीज आर द मेन एरियाज वेयर द कॉटन ग्रोज, ओके। नेक्स्ट इज जूट। जूट इज़ अ खरीफ क्रॉप एंड इट नीड्स वेल ड्रेन फर्टाइल सॉयल, ओके। तो एल्यूवियल सॉयल जो रिवर डेल्टाज में मिलती है वो इसके लिए बहुत अच्छी रहती है, ठीक है। इट ग्रोज़ वेल इन फ्लड प्लेन्स, फ्लड प्लेन्स में भी ये बहुत अच्छा ग्रो करते हैं, ओके। बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा, मेघालय, इन एरियाज़ में ज़्यादा रेनफॉल होती है, और ये एरियाज़ रिवर के पास भी है, रिवर वैलीज़ में भी हैं, तो इन एरियाज़ में जूट बहुत अच्छे से ग्रो करता है, ओके। एंड टेम्परेचर रिक्वायर्स मोर देन 25 degree Celsius एंड रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल शुड बी मोर देन 150 centimeter। इंडिया सबसे फर्स्ट मार्क नंबर पर है इसमें, उसके बाद बांग्लादेश, देन चाइना, ओके। और इंडिया में जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज़ कौन से हैं, जूट प्रोड्यूसर्स कौन से हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र, डेल्टा ऑफ वेस्ट बंगाल, सबसे ज़्यादा यहाँ पर कल्टीवेट किया जाता है। इसके अलावा आसाम, मेघालय, उड़ीसा, इन सब एरियाज़ में भी जूट ग्रो किया जाता है। सो दिस इज़ अबाउट द डिफरेंट क्रॉप्स, ठीक है। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट क्रॉप्स। देर इज़ अ नीड टू रीड द चैप्टर प्रॉपरली टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। वीडियो देखने के साथ साथ बेटा आप बुक रीडिंग भी करेंगे, बुक रीडिंग इज़ वेरी गुड फॉर यू, ओके। सो कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ, स्टे होम, ओके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।